हिमाचल प्रदेश में जिस समय कांग्रेस की सरकार आई थी तो ये कहा गया था कि कांग्रेस की सरकार आते ही हम नौजवानों को, महिलाओं को, किसानों को जिस तरीके से 10 गारंटियां बता के ये सरकार आई थी, जो एक बहुत बड़ा झूठ आज साबित हो रहा है। उन्होंने कहा था कि नौजवानों को एक साल के अंदर हम 1,00,000 नौकरियां देंगे और 5,00,000 से ज्यादा नौकरियां जो है वो नौजवानों को मिलेंगी। उन्होंने कहा था कि 1500 रुपया जो है वो महिलाओं को मिलेगा, उनके खाते में डाला जाएगा। ये बोला गया था कि जो गोबर है उसके पैसे किसान को मिलेंगे। उन्होंने ये कहा था कि दूध का जो मूल्य है उसको हम ठीक करेंगे, और वो भी एक गारंटी बनाई गई थी। उन्होंने ये बोला था कि एक नया जो हम स्टार्टअप जो है वो नौजवानों के लिए शुरू करेंगे। लेकिन दुख की बात यह है कि सरकार को बने हुए लंबा समय हो गया, लेकिन उसके बावजूद आज तक उन गारंटियों के बारे में कुछ नहीं हुआ। वो गारंटियां केवल झूठ का पुलंदा थी। और आज पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर चाहे वो नौजवान है, चाहे वो किसान है, चाहे महिलाएं हैं, सब इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि जब भी चुनाव आएगा, अभी 2024 में लोग जो हैं इनसे इन सारी चीजों का बदला लेंगे, ऐसा मैं मानता हूं।